हम सभी जानते हैं कि आर्मी यानी मिलिट्री हमारी सेवा करती है और हमारी सुरक्षा भी करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे जिन तो मिलिट्री में जाकर भी सेफ नहीं है, क्योंकि कुछ सेसंग फैन ने वहां पर भी उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। और ये बात तो आप सभी से छुपी नहीं होगी कि रिसेंटली जिन के साथ मिलिट्री में कुछ काफी बड़ा हुआ है, लेकिन सच में क्या हुआ और पूरी बात क्या है वो क्लियरली समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आपने काफी बार और काफी जगह ये सब रूमर्स तो सुन ही ली होंगी कि जिनके ऊपर मिलिट्री में अटैक हुआ, या फिर जिनसे कोई सेसंग फैन मिलने चली गई, या फिर जिनकी जान को खतरा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर सच क्या है और पूरी बात क्या है, ये हर एक आर्मी के मन में सवाल है। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ ये था कि पहली बात तो ये बात अभी की नहीं है, ये बात ऑलरेडी जनवरी में हो चुकी है और इसकी इन्वेस्टिगेशन मार्च से चल रही थी, जिसके बारे में अब रिवील किया गया है। तो हमारी जिनकी जान को प्रेजेंटली कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है। तो दोस्तों एक्चुअली जब भी कोई मिलिट्री में जाता है तो उसको कुछ टाइम के लिए बूस्टर डोज दी जाती है, ताकि उसे फीवर ना आए और अगर कोरोना का कोई भी खतरा हो तो वो भी टल जाए। तो जैसा कि हर एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ होता है, हमारे जिन को भी इसी तरीके की वैक्सीन मिलनी थी। लेकिन दोस्तों रिसेंटली रिवील किया गया है कि जनवरी के टाइम पर एक और आर्मी नर्स थी, जो कि जिन के बेस की नहीं थी, दूसरे बेस की थी, लेकिन वो इलीगली किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना जिन के बेस में घुस गई। वो जिन के बेस की एक नर्स को पहले से जानती थी और उनका कुछ पर्सनल रिलेशनशिप भी था, लेकिन वो किसी को बिना बताए जिन से मिलने गई और वहाँ पर जिन का ऑटोग्राफ भी मांगा उसने। दोस्तों यही नहीं, बल्कि वो मिलिट्री बेस की नर्स है, ऑब्वियसली डॉक्टर है, तो उसने वहां पर जाकर जिन को उनकी सेकेंड डोज भी दी, जो कि बेसिकली उस नर्स को नहीं देनी थी। और कुछ ही वक्त बाद ये भी पता चला था कि उस नर्स के ऊपर स्मगलिंग को लेकर काफी सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो बेसिकली ये पूरी कहानी थी। तो यहाँ पर जिनकी जान को वैसे तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन हाँ उसने जो भी डोज दी वो जिनको नुकसान कर सकती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिनको डोज कब देनी है, बट वो जिनसे मिलना चाहती थी इसीलिए इलीगली वहाँ पर चली गई। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पहले से ही चल रही है, लेकिन पब्लिक को ये बात अभी रिवील करी गई, इसीलिए काफी सारे आर्मीज के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया था। हालांकि बिग हिट ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी करी थी, जहां पर उन्होंने बोला था कि जिनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इस बात के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करी जाएगी कि आखिर वो मिलिट्री बेस से इलीगली जिनके पास कैसे पहुंच गई। क्योंकि दोस्तों अपने बेस को छोड़कर जाना अपनी ड्यूटी के टाइम पर ऑलरेडी इलीगल है, ऊपर से वो वहां पर जाकर जिनको ऑटोग्राफ मांग रही थी, और उसके ऊपर पहले से भी काफी सारे केसेस बाद में सामने आए, तो उसके ऊपर काफी सारी कार्रवाई तो होने ही वाली है। और दोस्तों आप ये सब तो समझ ही गए होंगे कि ओवरऑल इसमें जिन की तो कोई भी गलती है नहीं, तो इसीलिए जिन के ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होने वाली है और ना ही हुई है, क्योंकि अगर हुई होती तो अभी तक हमें पता चल जाता। और बेसिकली हो सकता है कि जब वो जिन से मिलने गई हो तो जिनको पता ही ना हो कि वो किसी और बेस की है, तो इसीलिए जिन ने उससे वैक्सीनेशन भी ले ली, उससे बात भी करी और हो सकता है उसे अच्छे से ट्रीट भी किया हो। लेकिन ऑलरेडी उसने इतनी सारी चीजें करी हुई हैं, तो उसके साथ तो लंबा चौड़ा केस खींचने ही वाला है। हालांकि जब उस नर्स से पूछा गया था तो उसने इन सभी आरोपों को मना कर दिया था, और उसका ये भी कहना था कि वो अपने बेस में इन्फॉर्म करके गई थी, आखिर वो बिना इन्फॉर्म करे क्यों जाएगी। लेकिन इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी ही हमें रिजल्ट सामने मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी क्लियरली अब समझ चुके होंगे कि पूरी कहानी क्या है और जिनके साथ क्या हुआ था यही पूरा सच है। साथ ही साथ जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।